हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल। एज यू नो, मैं हूँ निखारिका। फ्रेंड्स, मेरे आज के इस वीडियो में आपको लेके चलती हूँ डॉल म्यूजियम, जो कि चंडीगढ़ में है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डॉल म्यूजियम के नाम से इसे खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद ही आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको रॉक गार्डन के अंदर मिलेगा। जब भी आप रॉक गार्डन विजिट करेंगे, उसके अंदर ये डॉल म्यूजियम है। और यहाँ पे इसकी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे 200 तरीके की डॉल आपको दिखाई देगा, जो कि पुराने फटे कपड़ों से, जो पुराने कपड़े होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन चीज़ों से बना हुआ है। इसका निर्माण 1970 में किया गया था। और ये जब भी आप रॉक गार्डन के अंदर आएंगे, बिल्कुल वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो डॉल गार्डन है। यहाँ पे इसका नाम डॉल गार्डन इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गांव में आ गए हों। पहले जो जो चीज़ें, जो भी कल्चर था हमारे गांव का, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। किस तरीके से लोग कुएं से पानी निकालते थे, कैसे लोग खिड़कियों के अंदर पर्दे में बातें किया करते थे, कैसे क्लासेस होती थी उस टाइम, जो है टीचिंग कैसे होता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात यहाँ इस ये है, और लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र ये है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉल बनाई गई है वो पुराने फटे कपड़ों से बनाई गई है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उन सबको यूज़ करके यहाँ पे इसको बनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ आने के लिए आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, यानी इस डॉल गार्डन के अंदर आने के लिए नहीं, आपको रॉक गार्डन में अंदर आने के लिए 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप एडल्ट हैं तो। और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये डॉल गार्डन है, ये आपको फ्री है, यानी अगर आप रॉक गार्डन के अंदर विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे आराम से डॉल गार्डन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम अंदर आते हैं रॉक गार्डन के, क्योंकि इतना बड़ा है तो वहाँ तक पहुँचना ही थोड़ा मुश्किल होता है, कि हर कोई वहाँ तक चलते हुए थक जाता है, लेकिन आप अगर अंदर आते हैं तो आपको ये गार्डन वहीं देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये किसी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़े हॉल में, ऐसा लगता है जैसे हम किसी गुफा में जा रहे हों। और यहाँ पे एसी वगैरह चलती है, साथ ही यहाँ पे लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है ना, कि आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियरली दिखाई देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, पहले लोग कुएं से पानी भरते थे, साथ ही शादी में क्या होता था, पहले लोग जो है डोलियाँ जो है में दुल्हन जो हमारी विदा होके आती थी, उसका एक बहुत अच्छा चित्रण यहाँ पे दिखाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये दुल्हन की डोली ले जाते हुए, साथ में पीछे जो बराती होते थे वो पैदल होते थे, वो भी यहाँ पे। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पहले विलेज का जो हमारा कल्चर था, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। यानी मॉडर्न कल्चर का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है, पहले लोग सभाएं बैठाते थे, बैठ करके बातें किया करते थे, वो सारी चीज़ें, औरतें कैसे पर्दा करती थी, बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। साथ ही साथ अगर उनको कुछ ज़रूरी काम होता था किसी से बात करने का, तो वो खिड़कियों के अंदर से ही बातें किया करती थी। पहले के लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, वो सारी चीज़ें यूज़ करते थे, गाय को दुहना, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे दिखाई गई हैं। कुछ फोटोग्राफ्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी मेरी जो नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चंडीगढ़ आते हैं, रॉक गार्डन आते हैं, तो एक बार इस डॉल गार्डन को देख ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो यहाँ की सुंदरता है वो देखने में बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, नई चीज़ों से तो कुछ भी बनाना बहुत ही आसान है, डेकोरेशन करना बहुत आसान है, लेकिन पुराने फटे कपड़ों से डेकोरेशन करना एक बहुत टफ काम है, जो कि डॉल गार्डन में दिखाया गया है।